परमेश्वर को पाने के लिए जिद्दी बनो। मत्ती 20 अध्याय उसके 29 आयत में लिखा है, जब ये यरीहो से होकर जा रहे थे तो सड़क के किनारे दो अंधे व्यक्ति मिले। उन दोनों ने प्रभु यीशु मसीह को पुकार कर कहा, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब भीड़ ने उन दोनों की आवाज सुनी तो लोगों ने उन्हें डांटा कि वे ना चिल्लाएं, लेकिन वे दोनों अंधे व्यक्ति जिद्दी थे। परमेश्वर से आशीष पाने के लिए वे जिद्दी बन गए। उन्होंने लोगों के डांटने के बाद भी वे चिल्लाकर बोले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि बता, मैं तेरे लिए क्या करूं। मेरे प्रियो, ऐसे ही एक औरत जिसको 12 साल से लहू बहने का बीमारी था, उसने भी अपने मन में ठान लिया कि मुझे केवल प्रभु यीशु मसीह ही चंगाई दे सकते हैं। वह भी जिद्दी बन गई और चुपके से आकर प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों को छुआ और उसे चंगाई मिल गई। मेरे प्रियो, यदि आप भी उन दो अंधों की तरह, उस औरत की तरह जिद्दी बनकर परमेश्वर की खोज में लगते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपसे भी वही क्वेश्चन पूछता है कि बता, मैं तेरे लिए क्या करूँ।